तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल को हल करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हल करेंगे तो इसका सूत्र होता है P1+R/100 (N)। पी का मतलब होता है मूलधन, तो मूलधन 2000, 1 तो 1, प्लस तो प्लस, आर का मतलब होता है रेट यानी कि दर, तो 10% बटा में 100, एन का मतलब होता है समय यानी कि वर्ष। तो यहाँ पर लिख लेंगे P = 2000, R = 10%, N = 2 वर्ष। तब सूत्र पे हल करेंगे तो हमारा मूलधन कितना है 2000, तो यहाँ पर 2000 लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, फिर 1+ रेट कितना है 10%, तो 10% लिखेंगे, बट्टा में 100, वर्ष कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर उतार देंगे इसको 2000, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 100, फिर जब 1 से भाग गुणा भाग देंगे इसमें तो 100 होगा, 100 से गुणा करेंगे, इसका बट्टा में 1 है, 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100+100 से भाग देंगे तो 100 1 100 1 100 1 हो जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे 10 में तो 10, ऊपर 2 है 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 2000 है 2000 लिख देंगे, फिर जब इसको जोड़ेंगे ब्रैकेट में देकर 110 बटा में 100 ऊपर 2 2000, 10 से 10 काट देंगे, फिर ब्रैकेट का इधर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का है, तो यहाँ पर गुणा लिख देंगे, 11/10 का होल स्क्वायर है यानी कि 2 बार, तो 11×11/10×10, तो 101010 कट जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो 121 होगा, फिर गुणे 20, जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा, 2 से पहले करेंगे तो 2 दुना का 2, 2 दुना का 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 0 है तो 2, 2420 हमारा क्या आ गया, मिश्र धन। तो अब ब्याज पूछा है तो ब्याज का निकालने के लिए एक सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन माइनस ब्याज। तो मूलधन कितना है 2000, नहीं ये सूत्र थोड़ा गलती हो गया, ऐसे होगा ब्याज बराबर मूलधन माइनस मिश्र धन, तो 2000 हो जाएगा, फिर माइनस 24, इसका हो जाएगा 4020, माइनस में नहीं आएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा, 420 इसका ब्याज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 1000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसको पहले सूत्र लिख लेंगे, यहाँ पर पी से प्रिंसिपल 1, आर से रेट, बटा में 100, एन से समय, तो प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितना है 5%, समय कितना है 3 वर्ष। अब सूत्र पे आएंगे तो लिखेंगे मूलधन हमारा कितना है 1000 ब्रैकेट में 1+ दर कितना है 5% बटा में 100, वर्ष कितना है 3 वर्ष, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1000, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, 1 से 100 में भाग देंगे तो 100 होगा, 100 से गुणा करेंगे 1 में तो 100, प्लस 100 में 100 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 ऊपर 3, फिर यहाँ पर 1000, इसको जोड़ेंगे तो 105/100 ऊपर 3, फिर इसको अब काटेंगे तो अब 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 21 बार, तो यहाँ पर क्यू है तो यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे अब से 1000×21/20³, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000×21×21×21/20
बीस गुड़े बीस, तब जब इसको काटेंगे एक जीरो एक जीरो एक जीरो से, ये 3 जीरो से कट जाएगा, ऊपर बच रहा है 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 21 पूरा करते हैं तो 441 आता है, फिर 21 और बचा है एक, फिर 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 21 से गुणा करेंगे 441 में तो हो जाएगा यहाँ पर 21 कम 21 के 1 2 हासिल, 21 चौका 84, 2 86 के 6, 8 हासिल, फिर 21 चौके 84, 84 8 92 बटा में 8, 8 से भाग देना है तो भाग देंगे, 9261 भागे 8, 8 से एक बार देंगे तो एक बार एक घट जाएगा 2 आ जाएगा, फिर एक बार देंगे तो 8 कम 8, फिर यहाँ पर 4, फिर 6 उतर जाएगा, 8 5 40, 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1, 8 5 4 6 48, 8 7 56, 56 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे, फिर इसको 0 बढ़ेगा तो 8 6 48 बचेगा 2, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अब से यहाँ पर 2 20 हो जाएगा, फिर 2 8 दूना का 16 घटाएंगे इसमें तो 4 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 8 5 40 कट जाएगा, तो हमारे इसको भाग देंगे काट के लिख देंगे यहाँ पर 11,1506.625। तब इसको मूलधन कितना है हमारा 1,000, तब घटाएंगे इसमें तो लिखेंगे 1,156.625-1,000, फिर यहाँ पर लिख देंगे 625.156, यही हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।